सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। वहीं कुछ दिन पहले सुरेंद्र पवार के घर ईडी की रेड होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां से ईडी लेकर जाती है। उसके बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनमें कुछ खामियां मिली तो अब ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। सुरेंद्र पवार को देर रात हिरासत में लिया गया है, उसके बाद अम्बाला कोर्ट में ईडी उसको पेश कर रिमांड ले सकती है। आज अभी हम सुरेंद्र पवार के आवास के बाहर मौजूद हैं। देखिए, घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, परिवार के लोग भी यहाँ से निकल गए हैं। और जिस तरह से ईडी ने अपनी कार्रवाई की है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी लगातार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। दो दिन पहले रावदान सिंह पर भी ईडी की छापेमारी थी। वहीं जब सुरेंद्र पवार पर पहले ईडी की रेड हुई थी तो वहीं इनेलो नेता दिलबाग सिंह पर भी ईडी की रेड थी। दिलबाग सिंह के घर से भारी मात्रा में कैश और कुछ अवैध हथियार बरामद होते हैं, तो वहीं सुरेंद्र पवार के घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर ईडी यहाँ से निकलती है। उसके बाद जब ईडी अब जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ खामियां मिली तो ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है। सुरेंद्र पवार को हिरासत में ले लिया गया है। अब देखना होगा सुरेंद्र पवार से पूछताछ करती है या ईडी उनसे उनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेती है। ये तो अब ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उसमें क्या सामने आता है, ईडी इस पूरे मामले में क्या बता।